भारतीय रेल आपकी उम्मीदों की पटरी पर दिन रात 24 घंटे रहती है गतिमान, ताकि आपको मिले अपने सपनों की मंजिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में हो रहे लगातार प्रयासों से भारतीय रेल अपनी गति, सुरक्षा, सुविधा और नए यात्रा अनुभवों से बदल रही है रेलवे की सूरत। साथियों, बीते 6 साल से भारतीय रेल को नए भारत की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है। आज रेल के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नई रफ्तार से उपज, उत्पाद और उद्यम को बाजार से और किसान, श्रमिक और व्यापारी को जोड़ रहे हैं समृद्धि से। तभी तो भारतीय रेल देश को एक के बाद एक सुविधाओं के स्टेशन पर पहुंचाती है। अगले शानदार स्टेशन पर आपका स्वागत है। ये है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के आसपास के जिलों से हर दिन कोलकाता आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यहां की सड़कों पर दबाव और बढ़ता जा रहा है। इसी समस्या से निजात दिलाने हो रहा है कोलकाता मेट्रो के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का विस्तार। अत्याधुनिक भूकंप निगरानी प्रणाली से लैस 4 किलोमीटर और 100 मीटर लंबा नोआपाड़ा दक्षिणेश्वर के बीच बना कॉरिडोर, जिसकी लागत है 464 करोड़ रुपए। इस कॉरिडोर के निर्माण से उत्तर पश्चिमी किनारे मेट्रो नेटवर्क से प्रभावी रूप से जुड़ जाएंगे। साथ ही उत्तर 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता और शहर के दक्षिणी इलाकों के यात्रियों को मिलेगी प्रदूषण मुक्त, सुविधाजनक, किफायती और तेज यात्रा का लाभ। दक्षिणेश्वर से एस्प्लानेड 32 मिनट और कवि सुभाष से दक्षिणेश्वर की दूरी तय होगी सिर्फ 62 मिनट में। विश्व प्रसिद्ध काली मंदिर कालीघाट और दक्षिणेश्वर भी जुड़ेंगे मेट्रो से। हावड़ा वर्धमान मेन लाइन, कॉर्ड लाइन, हावड़ा कटवा लाइन और पूर्व रेलवे की तारकेश्वर ब्रांच के यात्री सिर्फ बाली ब्रिज को पार कर मेट्रो सुविधा का उठा पाएंगे लाभ। कुल मिलाकर प्रतिदिन लगभग 50,000 यात्रियों को इससे लाभ मिलने की है उम्मीद। पूर्व रेलवे के आजमगंज से खगड़ा घाट रोड रेल लाइन का दोहरीकरण, लंबाई 14 किलोमीटर और 600 मीटर, लागत 239 करोड़ 38 लाख रुपए। दानकुनी और बारुई पाड़ा के बीच चौथी लाइन, लंबाई 11 किलोमीटर और 280 मीटर, लागत 195 करोड़ रुपए। रसूलपुर और मगरा के बीच तीसरी लाइन, लंबाई 42 किलोमीटर और 420 मीटर, लागत 759 करोड़ 3 लाख रुपए। इन लाइनों के शुरू हो जाने से इस रूट पर माल ढुलाई को बढ़ावा मिलेगा, भीड़ कम होगी और सब अर्बन सेक्शन में ट्रेनों की बढ़ेगी आवाजाही। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर आदित्यपुर तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के कलाईकुंडा झाड़ग्राम खंड के 30 किलोमीटर लाइन का पूरा हो चुका है निर्माण। साथ ही कलाईकुंडा और झाड़ग्राम के बीच के 4 स्टेशनों का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के नवीनीकरण के साथ साथ नए स्टेशन भवन, नए फुटओवर ब्रिज और नए प्लेटफॉर्म का हुआ है निर्माण और पुनर्विकास। इस लाइन के शुरू हो जाने से खड़गपुर टाटानगर सेक्शन में गाड़ियों की गतिशीलता के सुधार में मिलेगी मदद और हावड़ा मुंबई ट्रंक मार्ग पर यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों की निर्बाध आवाजाही होगी सुनिश्चित। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगंज से खगड़ा घाट रोड स्टेशन रेल लाइन के दोहरीकरण, दानकुनी और बारुई पाड़ा के बीच चौथी लाइन, रसूलपुर और मगरा के बीच तीसरी लाइन को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। साथ ही अपने करकमलों से कर रहे हैं उद्घाटन कलाईकुंडा झाड़ग्राम खंड और नोआपाड़ा दक्षिणेश्वर के बीच नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विस्तार का। आइए बढ़ाएं भारत की जीवन रेखा की शान, भारतीय रेल।